उत्तर प्रदेश में शनिवार को उस समय कई जनपदों में हड़कंप मच गया जब इनकम टैक्स की टीम ने कई समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के यहाँ छापेमारी की। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ छापेमारी कराने का आरोप लगाया। वहीं सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सपा नेताओं के यहां हो रही छापेमारी को ईडी का दुरुपयोग बताते हुए जमकर निशाना साधा। प्रमोद का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की यात्राओं को देखकर सरकार ईडी की फर्जी छापेमारी सपा नेताओं पर करा रही है, जिसके विरोध में आज प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष जी, आज सड़कों पे क्यों उतरना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के गठजोड़ पर ईडी का फिर दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में किया है, जैसे पश्चिम बंगाल में भी किया, राजस्थान में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बयार हैं। हर ओर अखिलेश यादव की, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे रुहेलखंड हो, चाहे मध्य यूपी हो, पूर्वी यूपी हो, पश्चिमी यूपी हो, उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में समाजवादी पार्टी की बयार आ रही है अपने नेता अखिलेश यादव के लिए। जनता रात रात दिन दिन खड़ी है, जिससे केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई है। और जो बराबर ईडी का दुरुपयोग करते रहे हैं मोदी जी, वही दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में भी शुरू किया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता राजीव राय जी, जिनका बंगलोर में इंडस्ट्री है, और आज से नहीं पिछले 25 साल से इंडस्ट्री है, उनके यहाँ ईडी का छापा मारा गया। आप मारते बंगलोर उनकी फैक्ट्री मारते, यहाँ नीरज यादव, मनोज यादव जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और तो छोड़िए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो पीए हैं नीटू, उनके भी मकान पर छापा मारने का काम किया गया है। नीटू को इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, फिर वहाँ छापा मारने का काम केवल राजनीतिक हताशा का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ये मान गई है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनने जा रही, तो इस तरीके से वो समाजवादियों को हताश करना चाहती हैं। लेकिन ये मुलायम सिंह के सिपाही हैं, ये अखिलेश जी के सिपाही हैं। मुलायम सिंह के और अखिलेश जी के सिपाही ना ईडी से डरते हैं, ना उनकी पुलिस से डरते हैं। हम गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से इस तरह की जातियों का बराबर विरोध करेंगे। और 2022 में समाजवादी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में अपने नेता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके ही मानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।